लेडीज नाइटी की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। नाइटी का मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 54 इंच, अक्रॉस बैक 14 इंच, चेस्ट 36 इंच, बॉडी लेंथ 10 इंच, स्लीव लेंथ 6 इंच, बॉटम 11 इंच। फुल लेंथ हम कैसे निकालेंगे, फुल लेंथ माइनस बॉडी लेंथ, फुल लेंथ हमारी 54 है, 54 इंच, बॉडी लेंथ हमारी 10 इंच है, 54 में से 10 इंच माइनस किया 44 इंच, जो हमारी नाइटी का घेर की लेंथ निकल के आई 44 इंच। आप जब कपड़े पे कटिंग करेंगे तो उस टाइम आपको ध्यान देना है फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग, 44 इंच हमारी जो है तैयार होनी चाहिए घेरे की, उसमें सीम अलाउंस आप बॉडी के साथ अटैच करने में जो मार्जिन जाएगा आधा इंच, और टर्निंग जो होगी वो 1.5 इंच। टोटल हमारा हुआ 46 इंच, जो लेंथ लेनी है हमें 46 इंच। सबसे पहले लेंथ का निशान लगाएंगे, लेंथ है हमारी 46 इंच, अब इसकी विड्थ का निशान लगाएंगे। विड्थ लेने के लिए आप विड्थ ऑफ क्लोथ का हाफ, जितने हमारे कपड़े का अर्ज है उसका हाफ ले लेंगे, कपड़े के अर्ज का हाफ हम ले लेते हैं नाइटी में। ये हमारी लेंथ है, ये लेंथ का निशान लगाया और ये विड्थ का, ये हमारी जितनी लेंथ हमने यहाँ पे ली उतनी ही हमने यहाँ पे ली। अब हम यहाँ पे ऊपर की तरफ भी अपना निशान लगा लेते हैं, देना है कि ये जो ओपन साइड है हमारी, ये ओपन साइड है, ये फोल्ड साइड है। ओपन साइड की तरफ सबसे पहले हमें अपनी चेस्ट का चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंच, 36 को 4 से डिवाइड किया 9, 9 में 2 प्लस किया तो 11 इंच। ओपन साइड से 11 अंदर की तरफ आएंगे और हम निशान लगा लेंगे, यहां पे 11 पे हम अंदर आए और ये हमने निशान लगाया, यहाँ पे यहां से यहां तक हम 11 पे हमने ये निशान लगाया। अब हम ये जो 11 का निशान है इस पे हम यहाँ पे बॉडी लेंथ जो है वो शो करेंगे। उससे पहले बॉडी लेंथ शो करने से पहले हमें ये देखना है कि बॉडी लेंथ हम ऊपर कितनी और नीचे कितनी आएंगे, तो उसके लिए क्या करोगे, जो हमारा आर्म होल है वो मेथड हमें देखना होता है कि कितना है। ये हम लेंथ लेते हैं 10 इंच है हमारी बॉडी लेंथ, कपड़े पे कटिंग करते वक्त आप कितनी लेंगे 11 इंच, क्यों, क्योंकि आधा इंच तीरे में चला जाएगा और आधा इंच नीचे घेरे के साथ अटैच करने में चला जाएगा। तो ये हमने बॉडी की लेंथ ली, ध्यान देना है ओपन साइड से 11 इंच अंदर आके ये बॉडी की लेंथ का निशान लगाना है। बॉडी की लेंथ का निशान लगाने के बाद हम देखेंगे हमारा तीरा कितना है। यहाँ पे आपने सबसे पहले बॉडी की लेंथ लिखी, बॉडी लेंथ हमें मिली हुई है 10 इंच। अब हमें तीरे का निशान लगाना है, अक्रॉस बैक का हाफ 7 इंच, 7 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगाना है तीरे का। आर्म होल लेना है, आर्म होल लेने के लिए आर्म होल
यहाँ पे हमने आर्म होल लेना है 7.5 इंच। ये चीज हमें ध्यान देनी होती है कि यहां से अंदर की तरफ आए हम 11 इंच चेस्ट का निशान लगाया, बॉडी की लेंथ ली, बॉडी की लेंथ लेने के बाद तीरा लिया, आर्म होल लिया। आर्म होल जो हमारा डाउन आया वो डाउन आया हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 1.5 इंच। 36 को 24 से डिवाइड किया तो 1.5 इंच आया। यहां से 1.5 इंच पे हमने यहां निशान लगाया। 1.5 इंच पे ये निशान लगाने के बाद ये निशान लगाना है यहां पे, ये देखना है हमारा 1.5 इंच डाउन आके आर्म होल की लाइन से मिला देना है। ये मिलाने के बाद ऊपर देखना है बॉडी पे गले की चौड़ाई लंबाई और तीरा डाउन करना है। गले की जो लेंथ है वो कैसे रखनी है और विड्थ कैसे रखनी है, नेक की विड्थ निकालने का जो फॉर्मेट है चेस्ट डिवाइड बाय 12। चेस्ट हमारे 36 है, 36 को 12 से डिवाइड किया तो गले की जो चौड़ाई आई वो हमारी आई 3 इंच। 3 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया। नेक की लेंथ निकालने के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 6 इंच। 36 को 6 से डिवाइड किया तो जो गले की लंबाई है हमारी 6 इंच निकल के आई। यहां से हमने नाप मेजर किया और यहां पे 6 पे निशान लगा दिया। ये निशान लगाने के बाद आप कोई भी शेप आप गले की दे सकते हैं। बैक के लिए जो होगा बैक आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, फॉर्मेट के हिसाब से भी रख सकते हैं, कम या ज्यादा जितना रखना चाहे रख सकते हैं। तो यहां पे हमने चेस्ट डिवाइड बाय 12 ही हम बैक की लंबाई लेंगे और चेस्ट डिवाइड बाय 12 ही हम बैक की चौड़ाई लेंगे। उसके बाद आर्म होल को हमने डाउन करना है 1/4 इंच। डाउन करने के बाद जो हमारे गले की चौड़ाई है उससे हमें इसको मिलाना है। ये मिला दिया। इसको मिलाने के बाद जो ये हमारे आर्म होल की लेंथ बचती है उसका हाफ करना है। ये हमने हाफ किया, हाफ करके 1/2 इंच अंदर की तरफ आए और इसको इससे आप फ्री हैंड भी कर सकते हो और इसको इससे इस तरीके से मिला देंगे। ये मिलाने के बाद गोलाई करेंगे फ्रंट की। गोलाई करने के लिए हम यहां से इसको उठाएंगे और ये करते हुए ये जो हमारी चेस्ट लाइन है इससे मिला देंगे। ये चेस्ट लाइन है हमारी। बैक के लिए बैक को भी इस तरीके से उठाएंगे और यहां आके चेस्ट लाइन से मिला देंगे। ये मिलाने के बाद ध्यान देना है ये जो हमारी लेंथ है टोटल यहां से यहां तक की और ये हमारा आर्म होल है यहां तक। ये हम डाउन आए, जो हमारा घेरे की जो हमने लेंथ ली थी डाउन आए हम 24 चेस्ट का डिवाइड बाय 24 36 को 24 से डिवाइड करने पे 1.5 इंच हमारा आया। हम यहाँ पे जो डाउन आए थे वो हम आए थे 1.5 इंच। अब यहां से और इस जो हमारी लेंथ मिली हुई है इससे हम गोलाई कर देंगे। गोलाई कर दो आप इसको यहां से उठाओ और हल्की हल्की गोलाई देते हुए लेंथ से मिला दो। ये हमारी नाइटी की बॉडी तैयार हुई और ये हमारी नाइटी का जो घेरा है वो तैयार हुआ। ये वाला जो पोर्शन है ये वाला सारा ये हमारा गैदरिंग में जाएगा, जो हमारी चुन्नटे डलेगी उसमें जाएगा सारा। इसको आप इस तरीके से शो करेंगे। ये यहां पे हमने लिया फुल लेंथ, लेंथ लिए हमने घेरे की 46 इंच। ये हमारी फोल्ड साइड है, फोल्ड साइड। ये यहां से यहां तक हमने लिया चेस्ट
by 4 plus 2 inch is equal to 11 inch. ये यहां से यहां तक across back का half, across back हमारा 14 inch है, उसका half किया 7 inch. यहां पे पौना इंच डाउन आए, यहां पे आधा इंच अंदर की तरफ गए, ये चेस्ट डिवाइड बाय 12 और ये बैक के लिए भी आप चेस्ट डिवाइड बाय 12 यानी कि 3 इंच. और जो फ्रंट की लेंथ हमने ली वो ली हमने चेस्ट डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6 इंच. ये वाला हमारा ओपन पार्ट है, ये फोर साइड है और ये ओपन साइड है. यहां से यहां तक जो हमने इसकी विड्थ ली है, विड्थ हमने यहां से यहां तक जो ली है वो ली है हमने विड्थ ऑफ क्लॉथ का हाफ, जितने भी कपड़े की आर्ज है उसका हाफ. ये हमारा नाइटी की ड्राफ्टिंग हुई. अब हम इसकी स्लीव की ड्राफ्टिंग करेंगे. स्लीव की ड्राफ्टिंग करने के लिए स्लीव लेंथ हमारी 6 इंच है और बॉटम हमारी 11 इंच है. तो सबसे पहले हम स्लीव की लंबाई का निशान लगाएंगे. ये हमने यहाँ पे स्लीव लेंथ का मार्क लिया, ये देखा कीजिए. इसकी जो विड्थ लेंगे, स्लीव की विड्थ लेने के फॉर्मेट जो है, एक तो है हमारा जो हमने बॉडी में आर्म होल लिया है उसमें हमें 1.5 यानी 1.5 इंच ऐड करना है, जो निकल के आएगा वो हमें स्लीव की विड्थ के लिए रखना है. दूसरा है चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इंच, जितने भी चेस्ट है उसमें माइनस 1 करना है और हमें स्लीव की विड्थ लेनी है. हमारी जो चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इंच इज इक्वल टू 8 इंच, स्लीव की चौड़ाई हमारी 8 इंच. इधर भी हम यहां पे लेंथ का निशान लगा देंगे. जितनी हमने चौड़ाई ऊपर रखी है उतना ही हम यहां पे ले लेते हैं. ये लेने के बाद ये जो हमारी फोल्ड साइड है ये ओपन साइड है. ओपन साइड से इस कॉर्नर से डाउन आना है चेस्ट डिवाइड बाय 12 प्लस 1 इंच, ये हमारा हुआ 4 इंच. 4 इंच पे यहां पे हमने ये निशान लगाया. 4 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसकी शेप करेंगे. यहां पे भी हम अंदर की तरफ 4 इंच आएंगे और ये हम इसकी सेव कर देंगे. ये वाली यहां से पौना इंच अंदर की तरफ आपकी, ये हम इसकी फ्रंट की सेव कर देंगे. यहां पे जितना हमारा बॉटम है, बॉटम हमारा 11 है, 11 का हाफ लेंगे 5.5 आएगा. यहां से यहां तक 5.5 जहां पे आएगा ये निशान लगाएंगे और इसको इससे मिला देंगे. ये हमारा यहां से यहां तक बॉटम का हाफ 5.5 इंच, ये यहां से यहां तक चेस्ट डिवाइड बाय 4 माइनस 1 इंच इज इक्वल टू 8 इंच. ये हमने जो यहां से यहां तक जो डाउन आए चेस्ट डिवाइड बाय 12 प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 4 इंच. फुल लेंथ हमारी है स्लीव लेंथ हमारी है 6 इंच. ये हमारी स्लीव है और ये हमारी नाइटी है. ये हमारी लेडीज नाइटी की ड्राफ्टिंग बनके कंप्लीट हुई.